आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वेबसाइट वर्सेस लैंडिंग पेज, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लैंडिंग पेज क्यों डिजाइन किए जाते हैं, किन कंडीशंस के अंदर लैंडिंग पेजेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है और किन कंडीशंस के अंदर हमें लैंडिंग पेज नहीं सिर्फ वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ जो है आज के इस वीडियो के अंदर पहले 100 लोगों को जो इस वीडियो को लाइक करेगा उन सभी के लिए जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे रहा हूं और वो भी विदाउट एनी मनी, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए जानते हैं क्या है वो ऑफर, बीच में देने वाला, तो एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लैंडिंग पेज वर्सेस वेबसाइट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली अगर हम लैंडिंग पेज और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस की बात करें, सबसे पहला जो आता है वो आता है कि जो वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के ऊपर में मल्टीपल पेजेस होते हैं, यानी कि वो एक सिंगल पेज की वेबसाइट आज की डेट में तो बना दी जाती है जिसको हम पोर्टफोलियो काइंड ऑफ कहते हैं। बट जनरली अगर देखा जाए तो जो वेबसाइट है उसके अंदर जो है मल्टीपल आपके नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। वहीं पर अगर हम लैंडिंग पेज की बात करें तो लैंडिंग पेज जो है वो सिर्फ एक स्टैंड अलोन पेज होता है जिसका किसी भी पूरे वेब उस पर्टिकुलर डोमेन के साथ जितने भी अदर पेजेस होते हैं किसी के साथ में कोई भी लिंक जो है वो नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस की यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे कंटेंट है वेबसाइट के अंदर वो मोस्टली जो है वो इंफॉर्मेशनल होता है, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता बट एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है वो हर पेज के ऊपर में अवेलेबल होता है। वहीं पे अगर हम लैंडिंग पेज की बात करें तो लैंडिंग पेज के ऊपर में जो कंटेंट होता है वहां पर वो एक कंटेंट बेस किया जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी कि जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे आता है तो उसके लिए जो है स्पेसिफिक कुछ टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने बताया कि पहले 100 लोगों को जो है यहाँ पे देने जा रहा हूं एक बहुत ही स्पेशल बेनिफिट। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और कमेंट सेक्शन में भी हम पिन कर देंगे। तो आपने जो है कमेंट में पिन हो चाहे नहीं हो लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक एनरोल का लिंक मिलेगा और वो लिंक है हमारी वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट का, यानी कि अगर आप एक वर्डप्रेस से जो है नो कोडिंग वेबसाइट जो है बनाना चाहते हैं और ये स्पेशली फॉर दी बिगिनर है तो अगर आप भी जो है ये कोर्स में फ्री में एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। पहले 100 लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे 100 कंप्लीट हो जाएंगे डेफिनेटली इसका जो प्राइस है वापस से जो है 8999 हो जाएगा। तो अभी यहां पर जो है आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको डेफिनेटली अगर चाहिए तो मिल सकता है लेकिन उसके लिए एक बहुत प्यारा सा जो है वो रिव्यू देना मैंडेटरी होगा, उसके बाद में आप डेफिनेटली ले सकते हैं जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। चलो वापस आते हैं टॉपिक के लिए। तो तीसरे अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो जो आपका वेबसाइट होता है उसके अंदर जो है नेविगेशन के ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल नेविगेशन ऑप्शंस। नेविगेशन कहने का मतलब है जितने भी पेजेस हैं हर पेज एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक होता है, जैसे कि आप एक वेबसाइट के ऊपर किसी पे भी चले जाएं, चाहे आप टीजीएम अकैड पे चले जाएं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक मेन्यू बार होता है, बहुत सारी सभी वेबसाइट्स के अंदर होता है। उस मेन्यू बार के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं लाइक अबाउट अस हो गया, ब्लॉग हो गया या प्रोडक्ट एंड सर्विस हो गया, होम पेज हो गया। तो आप जो भी जिस भी पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर पेज की तरफ में। वहीं पे अगर हम बात करें लैंडिंग पेज की तो लैंडिंग पेज के अंदर जैसे कि मैंने बताया कोई भी नेविगेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज होती है कॉल टू एक्शन। चलिए अभी अगला जो है पढ़ते हैं। तो दूसरा यहाँ पे आपको डिफरेंस जो देखने को मिलता है यानी कि जो वेबसाइट के ऊपर में जितना भी चाहे वो प्रोडक्ट है, सर्विस है या कोई भी पेज जो उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है, डिजाइन किया गया है, वहां पर कोई भी स्पेसिफिक गोल जो है वो बेसिकली नहीं सेट किया जाता है। वहीं पे अगर हम लैंडिंग पेज की बात करें तो लैंडिंग पेज के ऊपर में बनाया ही इस तरीके से जाता है, बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें। लेट्स से कि आप जो है एक अपनी ईमेल लिस्ट जो है उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप एक लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कोई सेल हो, राइट, तो ऐसे में हर प्रोडक्ट एंड सर्विस एक ही पेज पे लिस्ट नहीं होगा,
एक सर्विस या एक प्रोडक्ट एक पेज के ऊपर में पूरी लिस्ट होती है, उसी के बारे में पूरी डिटेल लिखी जाती है कि वो लेट से आप मेरा जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में पूरा लिखा जाएगा राइट, कि कितने ड्यूरेशंस का है, किसके लिए है, क्यों आपको करना चाहिए है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके क्या रिव्यूज हैं इसके बारे में राइट, इसको सीखने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं बेसिकली उसी के बारे में, एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस के बारे में पूरी डिटेल में अवेलेबल होती है, और साथ ही साथ जो है यहीं से एक कॉल टू एक्शन भी होता है, चाहे वो फ्री में एनरोल करवाना हो या फिर पेड में एनरोल करवाना हो। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे लीड कैप्चर करने के लिए लैंडिंग पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम कोई भी लेट्स से कोई एड रन करते हैं जहां से हम लीड जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि भाई कौन क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज पे आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो क्या वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी हमारा कॉल टू एक्शन है उसको परफॉर्म करे, तो हम क्या करते हैं ऐसा लैंडिंग पेज तैयार करते हैं सो दैट कि हमें जो है वो लीड जो है वो उसकी पूरी डिटेल जो है कस्टमर की मिल पाए। तो यही मेजर डिफरेंसेस होते हैं लैंडिंग पेज और वेबसाइट के अंदर। फिर वापस एक बार रिमाइंडर दे दूं कि पहले 100 लोगों को जो है वर्डप्रेस विद नो कोडिंग जो है वेबसाइट फॉर बिगिनर जो है ये कोर्स अभी पहले 100 के लिए हमने कर दिया फ्री, जिसका आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक प्यारा सा रिव्यू देना पड़ेगा, बाकी आपका नॉलेज जो है वो डेफिनेटली एनहेंस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, जल्दी से जाके एनरोल कर लें। और मैं मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ नए टाइटल के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।